सुन तमंग भाई के साथ है, और उस दिन का जो भाई था उसको तो अपलोड कर लिया, अब सुन तमंग भाई भी आ जाएगा कल परसों तक आ जाएगा मेरा ब्लॉग। गाइस फिर से मैं पठाव यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आया था तो लगभग पैसे तो ज़्यादा नहीं लगा, कम 50 रुपया लगा वहाँ से यहाँ तक का, शैम्पू से यहाँ, लेकिन जो समय था वो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा लग गया। तो फिलहाल मेरे लिए समय इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं, इसलिए मैं फिर से पठाव में जा रहा है। और पठाव में कती हो पठाव में 225 और 225 यहाँ से शैम्पू के लिए, तो पठाव से चलते हैं। ऐसे ब्लॉगर आपको पठाव ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं आगे पीछे, है ना, और सारा रास्ता कवर कर सकते हैं, हर एक जगह कवर कर सकते हैं, बढ़िया है। वेलकम टू शैम्पू नाथ, शैम्पू ये तो मानना पड़ेगा कि मैंने पहले जन्म में कुछ अच्छा काम किया था, जो कि यहाँ बार बार दर्शन करने को मुझे मौका मिलता है। काफ़ी साल तो मैं यहीं रह के पढ़ाई किया, अभी फिर काफ़ी साल के बाद, बोले 3-4 साल के बाद फिर दर्शन के लिए आने के लिए मौका मिला। बोधा में 3 परिक्रमा किया, ये हिंदी वर्ड्स कितना तकलीफ है, परिक्रमा, इसका कोई आसान शब्द नहीं क्या, बस गोम्बा में 2-3 बार राउंड किया, जैसे इसको चिबारन लैंग्वेज में बोला जाए तो कोरा, वहाँ पे 3 बार किया, और यहाँ पे अभी लगभग 3 बार करता है, फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। नीचे ग्राउंड से 2 परिक्रमा कर लेते हैं, ऊपर से करा लिया ऑलरेडी। लोग सब उल्टा घुमा रहे हैं, लोग ऐसे घुमाया जाता है, ये घुमाने का अर्थ ये है कि इसका अंदर बहुत सारा मंत्र जो अंदर लिख के रखा है, और इसे घुमाने का मतलब होता है कि आपने वो मंत्र को जप किया है, जप करने का बराबर इसका बेनिफिट्स होता है। हर किसी के बस में ये नहीं रहता कि सारा मंत्र पढ़ सके, राइट, तो ये ऐसे घुमाने से क्या रहता है, और जो मंत्र है इसके अंदर लिख के रखा है वो पढ़ने के बराबर आपको बेनिफिट्स होता है। शंख है, शंख यहाँ में लोग शंख फूंकता है, शंख 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 शंख। गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं देखना है, गलत नहीं सुनना है, उसका यहाँ पे साइन रखा हुआ है, 3 बंदर आँख बंद करते हुए, कान बंद करते हुए और मुख बंद करते हुए बैठा हुआ है, मतलब ये चीज़ नहीं करना है। सो मैंने 2 परिक्रमा कर लिया, अब 3री परिक्रमा के बाकी है, और 3री परिक्रमा करते हैं मैं निकलता हूँ फिर गुम्बा के लिए यहाँ से। अंतिम परिक्रमा बाकी है, लास्ट कोरा करते हैं फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से, 1-2 फोटो लेने की बात।
मेरा ये लास्ट परिक्रमा है, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ तस्वीर लेता हूँ, फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद मैं निकलूँगा कोनपा की ओर। वहाँ में डिनर का प्रोग्राम है तो बच्चों के साथ थोड़ा मज़ा करेगा है। सुनो ये लास्ट परिक्रमा है, परिक्रमा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ना शुद्ध हिंदी बोलने के लिए, परिक्रमा परिक्रमा परिक्रमा। सो गाइस ये अंतिम परिक्रमा है, लास्ट कोरा है। सो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा गोनपा के लिए, उससे पहले मैं एक दो फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया, एक दो फ़ोटो लेना तो बनता है ना। बस एक्चुअली ये इससे भी बड़ा स्वयंभू है जो कि यहाँ से थोड़ा आगे जाना होता है, लेकिन उतना मेरे पास फिलहाल वक्त नहीं है। तो स्वयंभू का नाम ये भी स्वयंभू ही है, तो मैं यहाँ विजिट कर लिया। उसके बाद अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ गोनपा के लिए, और बाकी वीडियो फिर गोनपा से शुरू करते हैं, आपको गोनपा में जाके मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय। सो इवेंचुअली वो मोमेंट आ गया, बोले तो अभी यहाँ डिनर बनाने जा रहा है, बोले तो आज स्पेशल डिनर है, वो क्या है आप खुद जाके देखिएगा। मैं अभी तक गया था क्या कहते हैं आपका बौधा गया, शंभू गया, ठीक है ना। अभी आपका क्लास देगा, अपना इंटर दो मेरे भाई। बताओ अपना भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिलेम फाचो है। कहाँ से हो? अरुणाचल प्रदेश। हाँ अरुणाचल प्रदेश से है, इनका नाम फाचोक है ना, सही है। थैंक यू, चलो मिलते हैं। हाँ हम थोड़ा वो बना के। सो अभी मैं जा रहा हूँ रसोई में, बोले तो किचन में, और देखते हैं आज हमारे यहाँ का भाई लोग क्या स्पेशल बना रहा है, और आप लोगों को दिखाएगा, साथ साथ मैं भी कोशिश करेगा हाथ बांटने के लिए उनका, ठीक है। मुंह बनाने के लिए शुरू कर रहा है अभी, अभी स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे, आपको दिखो। तुम्हारी उम्र कितना हो गया? कितना उम्र? कितना साल? 10 साल का है, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं मेरे भाई आप? अचार। अचार, आप कहाँ से हो? मैं नेपाल से। नेपाल कहाँ से? सिंधुपाल से। आपका नाम क्या है? गिले फेंजे। गिले फेंजे। मेरे भाई आपकी उम्र कितना है? 13। कैसे है मेरा भाई? दुबई में कितना मिंग कर रहे हैं? हिंदी जानते हैं? गुड। कितना में पढ़ाई कर रहा है? तीन में। गुड। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ हाँ गिलेक जंग। तुम कितना में पढ़ रहे हैं? सुंदर शिपा। मोह बनाना जानते हैं? गुड। तुम्हारी उम्र कितना है? वाह क्या बात। तुम्हारा नाम क्या हो? तुम्हारी उम्र कितनी हो? 14। गुड गुड। यहाँ का जो बच्चे लोग इतना छोटा छोटा, लगभग 8 साल 10 साल 12 साल, इन लोग ही बनाते खुद का, आई मीन चाहे जो भी हो, खाना सब्जी सब कुछ, यहाँ से चाहे डिशेज करना हो या खाना सब्जी बनाना हो सब कुछ, या फिर मोमो को बनाना हो। गोनपा में जो पढ़ाई करने का ना ये एडवांटेज है, यहाँ में पढ़ाई के साथ आपको ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है ये भी चीज़ें सिखाता है। यहाँ में अपना कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सारा कुछ आपको खुद करना होता है, तो ये बहुत एक अच्छा लेसन होता है कि नहीं? दिल तो नहीं कर रहा यार जाने को, क्या कर रहे है? लेकिन बाय बाय दोस्तों, जा रहा हूँ। लगभग 3-4 साल के बाद आया फिर से अपना गोनपा में यार, बहुत बहुत मज़ा आया।
सारा वो जो पुराना अपना मेमोरी था रिफ्रेश हो गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, नेक्स्ट टाइम आएगा 5-6 महीने का बाद दबा के खाएगा, यहीं बैठेगा तब तो ठीक है। अभी चलते हैं भाई। दोस्त लोग खाना खा के जाओ बोल रहे, लेकिन मैं घर में जाके खाते हैं, घर नज़दीक ही है ऐसा। सो गाइस, यही था आपको शेयर करने के लिए, और उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये है गोनपा का एक शॉट दिखा दे, नज़र आ रहा है ना पीछे गोनपा, और ये है गेट। बाय बाय गाइस, बाय बाय।